हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ओल्ड क्लोथ्स लिए हैं। ये गरम पैजामी हैं और कुछ इसमें गरम बनियानियाँ हैं, इस तरह की फटे पुराने जो हो जाते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। या तो आप पोचा बना लेंगे या तो फिर फेंक देंगे इनको। तो आज इन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए बहुत ही घिसी पिटी बनियान है ये गरम। तो ये बहुत ही पुराने फटे घिसे हुए कपड़ों का यूज़ करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे जो ये गरम पैजामी है, इसकी जो इलास्टिक है उसको कट करके हमें निकाल देना है। लेग्स वाला एरिया है जो इसका, वहाँ से हमें इसमें से 6x6 का पीस कट करना है। पूरे में से जितने भी पीस हमें निकलेंगे उतने निकाल लेने हैं 6x6 के। आप इसमें 5x5 का भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6x6 का इस तरह से स्क्वायर पीस मार्क कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें इतने मार्किंग कर लिए इस तरीके से। और इसको हम कट करके इसमें से स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें किसी भी तरह के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो फैब्रिक है ये थोड़ा फ्लफी होता है, इस पर मशीन आसानी से चल जाती है। ये क्योंकि गर्म कपड़े हमारे थोड़े फुले फुले से होते हैं, तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती मशीन चलाने में, हम इनको जब स्टिच करेंगे तो। और इसे आप वैसे चाहे तो किसी भी तरह के फैब्रिक से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम जितने भी इसमें फैब्रिक यूज़ करेंगे उसमें से ऐसे ही पीसेस निकाल लेने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं दो कलर की लेगिंग्स का ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए दो मैंने कट कर लिए हैं। तो तीसरा वाला मैंने जो सबसे लास्ट में बनियान दिखाई थी गर्म वाली घिसी हुई, उसका कट करके रख लिया है इसको हम। तो यहाँ पे जो हमने पीसेस कट किए थे, दो दो पीसेस हमारे साथ में थे, तो उनको हम खोल लेंगे और जो घिसा बिटा हमारा जो भी पुराना कपड़ा होगा उसको हम सेंटर में रख लेंगे। और इस तरह से बंद करते हुए चारों तरफ हमें स्टिच कर लेना है। तो सारे पीसेस हमें इसी तरह से स्टिच करने हैं। आप इसमें फैब्रिक की जगह फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो सबसे बेकार फैब्रिक है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमने इस तरह से अंदर रख लिया है। फेंकने की बजाय आप इसको बहुत ही अच्छा सा रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं फेंका। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से इसको स्टिच कर लिया और सेंटर में भी इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो आप इसमें अपनी पसंद की डिज़ाइन भी दे सकते हैं सिलाई का। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस तरीके से क्रॉस में स्टिच कर लिया है सेंटर में, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड पर सीधी सिलाई लगाई है, क्योंकि ये जो फैब्रिक हमने यूज़ किया है गर्म कपड़ा, ये स्ट्रेचेबल है। इसमें अगर हम जिगजैग सिलाई का यूज़ करते तो ये इतना अच्छा नहीं बन पाता, इसकी फिनिशिंग नहीं आती। तो अगर आप जीन्स वगैरह से इस चीज़ को बनाएं तो उसमें आप इसके चारों किनारे पे जिगजैग सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पीसेस स्टिच किए हैं इनको मैंने इस तरीके से पैटर्न बना के रख लिया है, इनको किस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो इनको अब एक एक पीस करके हम इस तरीके से लेंथवाइज जोड़ लेंगे, लेंथवाइज स्टिच कर लेंगे इनको एक एक पीस। तो यहाँ पे हम जिगजैग सिलाई से इसको जॉइंट करेंगे। अब इसका जो सेंटर पीस है वहाँ पे हम जिगजैग सिलाई से इसको जॉइंट कर रहे हैं इस तरह से, ये देखिए। ये बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाता है। अगर आप इसे जिगजैग सिलाई से नहीं स्टिच करना चाहते तो आप इसे सेंटर में दोनों साइड को रखते हुए, एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जिगजैग सिलाई से स्टिच किया है, दोनों साइड से हमारा ये सेम दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अभी हम इनको साथ में जॉइंट कर लेंगे सारे पीसेस को पैटर्न बनाते हुए। आप जिस तरीके का पैटर्न बनाना चाहें कलर वाइज, उस तरीके से इसमें फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे कलरफुल गर्म कपड़े जो होते हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो गर्म पजामी और बनियान होती हैं इनका यूज़ किया है। आप इसमें कलरफुल कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास ओल्ड क्लोथ रखे हों। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर लेना है पूरा, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। तो ये जो वाइट कलर की डोरियाँ होती हैं इस तरह की, ये मैंने इसमें इस डोरी का नाड़े के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये वही वाली डोरी है। तो यहाँ पे मैंने वही डोरी ले ली है इस तरह से। तो इस डोरी को जहाँ जहाँ पे मैंने जिगजैग सिलाई से स्टिच किया है जॉइंट, वहाँ पे पूरे में इसको हम पूरे में लेंथवाइज और वेथवाइज लगा लेंगे, जिससे इसका बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पर हमें इसको इसी तरह से जहाँ जहाँ पर पूरी स्टिचिंग है वहाँ पर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। इसकी जगह हम डोरी वाली लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी डोरियों को इस तरीके से स्टिच कर लिया, देखिए पूरे पैटर्न में लगा के। तो हमारी इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर की लेस का यूज़ किया है। तो आपके पास जिस तरीके की लेस अवेलेबल हो आप उस तरीके की लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओल्ड साड़ी से या दुपट्टे से निकली हुई लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लेस को चारों साइड में लगा लेना है। इसको हमें जिस तरह की भी आप लैस यूज़ कर रहे हैं उस तरह से लगा सकते हैं इस तरह। अगर आप लैस नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें
चारों साइड पे पाइपिंग लगा सकते हैं। तो कॉर्नर से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए लेस को स्टिच कर लेंगे और ये बहुत ही ईजी तरीके से हमारी लेस इस पर लग जाएगी। और इस तरह से जो मैंने इसमें तीन लेयर में फैब्रिक रखा है, ये बहुत ही आसानी से इस पर हमारी मशीन स्टिच हो रही है। तो देखिए इस तरीके से हमारे कॉर्नर बन जाएंगे। तो आप इसमें कोई फिक्र ना करें कि इस पर हमें मशीन चलेगी या नहीं, बहुत आसानी से हमारा स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए पूरा रेडी कर लिया है हमारा ये। तो आप इसे मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं, डोरमेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे जिस तरह से चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके आप कारपेट भी बना सकते हैं और बेडशीट वगैरह भी बना सकते हैं ठंडियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका यूज़ किया है, देखिए बनके कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।